महाराजी हुजूर मेन गेट पर से कोई आवाज लगा रहा है, अगर आपका महाराजी आदेश हो तो जाकर देखें कि मेन गेट के समक्ष कौन आया हुआ है। दरबारी मेरा आदेश है, जी महाराज जाकर के देखो कौन आया है। महाराज जी, जिस दोस्त की आप महाराज जी बात कर रहे थे वही आपके दोस्त गजराज सिंह मेन गेट के समक्ष खड़े हुए हैं, अगर आपका आदेश हो तो आपके दोस्त को आपके पास पहुंचाया जाए। दरबारी जी महाराज जाओ, हमारा आदेश है जी महाराज मेरे दोस्त को इज्जत और मान सम्मान के साथ लेकर आइए। गजराज सिंह आदाब करता है। दोस्त मन गजराज सिंह कहिए राजन, आज मुझे तुम्हारी याद ही आ रही थी, लेकिन लेकिन सबसे पहले ये बताइए तुम किस लिए आए हो? अरे क्या दोस्त का फर्ज नहीं बनता कि अपने दोस्त की हवेली जाकर और मान सम्मान के साथ कुछ हाल चाल तो पूछ सके? क्यों नहीं, मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन बात क्या है? यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यहां आए किस लिए? हाँ मेरे दोस्त, मैं आपसे जानना चाहता हूं किस लिए हमारे रास्ता आ रहे हैं। और क्या बताऊं यहां लड़की का रिश्ता लेकर के। अपनी बेटी का रिश्ता लेकर हमारे पास आए हुए? हाँ, आपके बड़े बेटे प्रदीप को देखना चाहते हैं। प्रदीप को देखने के लिए आए हैं? हाँ, आपके बड़े बेटे प्रदीप को देखना चाहते हैं। क्या जो वो वादा आपने किया था क्या वो वादा आप भूल गए? जब हम और आप कहीं कॉलेज में पढ़ते थे आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरे लड़की होगी नहीं आपके यहाँ होगी, और मेरे यहाँ लड़का होगा नहीं आपके यहाँ लड़का होगा, तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। आज भगवान की कृपा से ईश्वर ने मुझे पुत्री दिया है, उस पुत्री का रिश्ता लेकर के हम आपकी हवेली आए हैं आपके बेटे को देखने के लिए। आप प्यारे आए गजराज से, तुम मेरे बेटे प्रदीप को देखने के लिए आए हो? दरबारी जा, मेरे बेटे प्रदीप को हाजिर किया जाए। बनराज सिंह, ये आपका बेटा
प्रदीप है? हाँ दोस्त, ये मेरा बेटा प्रदीप है। तब तो मुझे आपका लड़का पसंद है। क्या बात है विक्रम सिंह, क्या कहना चाहते हैं? राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जो रिश्तेदारी, ये जो दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रहे हैं, वो बदलने का भी टाइम नहीं है। महाराज महाराज, अभी तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनकी शादी कर देंगे आप तो हमेशा के लिए इनकी जिंदगी झंड हो जाएगी। मंत्री विक्रम सिंह, बेकार हो जाएंगे ये। मंत्री विक्रम सिंह, तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अरे हमें क्या, नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा। दोस्त बनराज सिंह, आपके लड़के के साथ हम अपनी बेटी सालू की शादी करेंगे, तारीख 3 दिन बुधवार, तारीख 3 दिन बुधवार। अरे जब कहना नहीं आता तो मत बोलो, वरना एक ही ठूसे में पूरे दांत बाहर आ जाएंगे। तारीख 3 दिन बुधवार को आप बारात लेकर के आइएगा और हम अपनी बेटी की डोली आपके बेटे के साथ सजेंगे। आप लोग तो इतने जल्दी रिश्तेदारी कर लिया। अरे रिश्तेदारी करने से पहले एक बार बच्चों से भी तो पूछ लो, वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ये पूछने का फर्ज महाराज का बनता है। प्रदीप, हम तो भीख मांगने के लिए आए हैं कि चौकट पर। बेटे प्रदीप, हो सकता है बच्चे इनकार कर दे, फिर क्या करोगे? क्या बात है पिताजी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पिताजी आप क्या पूछना चाहते हैं? ये हमारे दोस्त हैं, बचपन में हम दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ने के बाद हम दोनों ने वादा किया था, मेरे बच्चा होगा तुम्हारे बच्ची होगी, या हमारे बच्ची होगी तुम्हारे बच्चा होगा, तो हम लोग इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तुम्हारी क्या राय है? पिताजी वैसे तो आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बच्चों की उम्र ही क्या है पिताजी, और फिर आप तो जानते हैं कि मैं दूर कॉलेज में पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं, और आप यहाँ शादी विवाह के चक्कर में मुझे डाल रहे हो। बेटे तुम्हारा कहना एकदम सत्य है। अरे अभी शादी वादी क्या करोगे? शादी करने से बर्बादी हो जाएगी। विक्रम सिंह जी महाराज, मैंने तुमसे कह दिया हमारे घर का मामला है, बीच में तुम नहीं बोलोगे। नहीं बोलूंगा, आप अगर बुलाएंगे भी तो कभी नहीं बोलूंगा। पिताजी अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बात को कभी नहीं टाल सकता पिताजी। अब कुल मिलाए के महाराज जी जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से वो ठीक कर रहे हैं। शादी विवाह की यही उम्र होती है, कान का 85-90 साल की उम्र हुई तो आप शादी करियो। तुम पीछे पिताजी, जैसी आपकी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। बेटे प्रदीप, बेटे प्रदीप तुम जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई की तैयारी करो।
आज मुझे इजाजत दें और तारीख मैंने आपसे बता दिया है, तारीख 3 दिन बुधवार को बरा लेकर आइएगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी हमारे निमंत्रण में जरूर आइएगा, आपका निमंत्रण है। मंत्री जी का जो उन्हें उतार दे दियो, क्योंकि पूरी के शौकीन ज्यादा है। आवाज साला, पूरी का शौकीन तू है, हम तो खाली कचौरी खाई तो है कि चप। ठीक है मेरे दोस्त, राजन के बेटे की बारात लेकर हम आपके द्वार तक अवश्य आएंगे, अवश्य पधारेंगे। यही उम्मीद आपसे करते हैं। जाओ गजरा से जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो। हाँ। जाते वक्त हमारी एक दरख्वास्त है। कौन सी? कि अगर आपके मकान के सामने जीटी रोड हो तो हम रोड लाइट लेकर आएंगे। हमारे मकान के सामने बहुत लंबी जीटी रोड है। जीटी रोड हो, रोड लाइट लेकर आएंगे, गोला बारूद के साथ आएंगे। हाँ? 12 घोड़ा 16 रंडी यही है। ये किस लिए? डांस करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ साथ में लंबरदार जी के लिए एक लिल्ली घोड़ी लेकर। विराट नगर से कालू नगर जाने में साली लिल्ली घोड़ी मर जाएगी। लिल्ली घोड़ी से नहीं, घोड़े से जाएंगे, घोड़े से। लिल्ली घोड़ी के काबिल तो तू है, तू जाएगा। ठीक है, अब चलूं हैं। आप चले और हम लोग सभी लोग तैयारी बना के, सभी लोग पूरे बाराती तैयार करके आपके द्वार पे तारीख 2-3 को हम जरूर आएंगे। दोस्त और तेरी मेरी यारी, और तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी। बताओ, तुम लोग हमारे सामने बदतमीजी करना शुरू कर देते हो। महाराज जी, इसमें बदतमीजी की क्या बात है? आपके बेटे की अगर बारात जाए, बेटे की आपकी शादी हो, तो हम लोग महान खुशी है। दरबारी चलो, तुम शादी की तैयारी करो। विक्रम सिंह, मैं चल रहा हूं, मैं महल में तैयारियां करता हूं, और तुम लोग तुरंत आने के, टाइम नहीं लगाना। जोरे साले जड़ फूटा। ए 12 घोड़ा 16 रंडी क्या होंगी रे? लंबरदार, महाराज जी के बेटे की बारात जाएगी, वहाँ पे द्वारे की 4 अगवानी होगी, वहाँ पे घोड़ा डांस करेंगे, रंडिया डांस करेंगी, डीजे बजेगा, हम लोग डांस करेंगे। खामोश, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ कोई शादी नहीं होगी। और लंबरदार, शादी तो तय हो ही गई, कुछ नहीं थी। और अगर डोली उठे, अगर भूल से डोली उठे, तो डोली की जगह अर्थिया निकलेगी। अर्थिया लाश पे लाश बिछा दूंगा। तो अच्छी लंबी कहानी बता दे, सर चोर उठाएगी छौकट, रंडी छिनार हर जाए। ये कहूंगा यार, अब बताओ भला,
महाराज जी अपने बेटे की शादी तय कर दिए और ये निकले कौन परेशानी है यार, परेशानी है का? अब समझ गए, समझ गए ना, ये कह साले के शादी तो भाई नहीं ना उठाई के भाई, ये शादी भाई नहीं, रड़ुआ है रड़ुए रह जाई, देख लियो ये सोचा था हमारा शादी नहीं भाई, हमारा शादी हो जाए मेहररुए बिटिहनी का इनके नसीब में कुकुरी बिलारी नहीं, इनके लक्षण है वही, अगर इनके देखुआ वो करी है के तो बताते हम लौंडे के टीबी है यार, देखुआ तुरंत ही लौटी जाए तुरंत भाग, ऐसा है सभी लोगन का न्योता दे दियो क्योंकि महाराज जी के बेटे की बारात, कुछ फूल मुरझा गया पानी नहीं दे दिए, हाँ फूल मुरझा गए पानी मांग रहे हैं, बगैर पानी के इनमें चतरनी नहीं आएगी, देखो बच्ची हो रही हूँ तो हाँ सबका चूलिया नेउत है, नेउत ना नेउता हो यार, हाँ सबका चूलिया नेउत है, सब जने पान पान चूल्हा फोड़ के आयो, व्यवस्था में कौनो कमी ना रही, तीन दिन से कारीगर लगवा दे लेकिन हमारे जाने के बाद राज दरबार में क्या बातें हो रही थी हुजूर, कुर्सी लगा पे कुर्सी लगा, लंबा भाई आपके जाने के बाद हम लोग ऑफिस में बात कर रही थे, ऑफिस में बात कर रही थे, काफी देरों से देख रहे हैं तुम दोनों की बदतमीजी, लंबूरदार आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई मालिक, आप भी लौजे परेशान, हमारे खिलाफ महाराज ने रिश्ता तय किया, हमने मना किया अभी बच्चों की शादी मत करो, लेकिन महाराज ने भरे दरबार मेरा बहुत बड़ा, और उस अपमान का बदला चुकाने के लिए जी जी यस जी, अब देखो हमारी शतरंज की चाल, महाराज आज तक तूने मेरी दोस्ती देखी है जी यस, लेकिन आप अब दुश्मनी देखोगे, दुश्मनी, और अगर ये शादी हुई तो डोली की जगह जला जाने के, पूरी जवानी का तो न्योता दे दीगा, क्या 16 रंडिन का खुदे फोन कही दी ना, कैंसिल कर तो कहे भाई, जब राजमहल में लाशें गिरेगी, जब लाशें गिरेगी न्योतारी सब आएगी, जब ए जो न्योतहरी आए हैं हमारे एक ही सारे पर सब भाग जाएंगे, हुजूर अब पूरी तो छली रही, साले तुम खाओ और खा खा करके साले छिप्यारों मचा दो, मेरी बात को गौर से सुनो, आज से चालू होती हमारी शतरंज की चाल, महाराज तूने मेरी दोस्ती देखी अब दुश्मनी देखोगे, आज तक महाराज का जो गूंगा बेटा है छोटकावा,
उसे हम स्कूल ले जाते थे। भाई आपका ड्यूटी नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद स्कूल से वापस लाते थे, लेकिन आज उसे ले जाऊंगा जंगल में, साले को काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। महाराज आज से हमारी शतरंज चालू। अब देख, तूने राज दरबार में मेरा अपमान किया और उस अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं तेरा परिवार, मैं तेरा परिवार पर क्यों रे साले गूंगे की। ईंटे से खून दोगे, जल्दी आओ ऊपर। क्या चले, आज हम महाराज के बेटे का काम देखो किस तरह तमाम करते हैं। विक्रम सिंह से बगावत की है जी, अब देख देख तेरे परिवार का क्या हाल करते हैं हम, क्योंकि मौत का 16 हूं मैं, मौत हमारी मुट्ठी में है, मौत का 16 हूं मैं, ऐसा प्रलय गुजारूंगा बगावत करने वाले का सीना मार डालूंगा। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो गोली मारूंगा पेट में, भक्क से धुआं नीचे की निकल जाएगा। चुन्नी ललवा, अरे चुन्नी ललवा, ओ यार, अब यार काय बताओ, ये महाराज जी के लड़का का मार दे। हाँ यार, यार ये मार का दिया है यार। यार लेकिन हम तो सबका न्योता दे दी ना, न्योता हरी दिया हो, सब बैठ भंडारा ले थरिया वरिया कौन ना खा जूठी। लड़का बच्चा पनीर ना खाए को, लड़का बच्चा छेउना सब ले ले आए। ये जा के जा को हमका लागा चूल्हा फोरी फोरी आई। ओपा चूल्हा फोरी क्या खा खा के आए। महाराज की बेटवा के बारात है, सब लोगन के न्योता है, हम न्योता दे 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 आयो नहा आपकी मर्जी। सही बात, सब लोगन के न्योता है चूल्हा न्योता, तीन दिन से कारीगर लगवा देबे कौनो कमी नहीं ना, हर व्यवस्था है, मटर पनीर शाही पनीर छोला पिलाव सब व्यवस्था है। यार ये कम से कम 15 तनक तो मिठाई के व्यवस्था है यार ये। लेकिन जहिका जौन चीज खाए पिए का मन हुए अपाए पाए घर से लिए आ, हमें माथे न रहे, बाकी व्यवस्था में कौनो कमी न रही। कुल मिलाए के सोफा सेट का व्यवस्था बैठे के बड़े है, सोफा सेट नहीं तो वहां सोफा सेट का मखमल वाली कुर्सियन का व्यवस्था बैठे का है। लेकिन जहिका जहिका बैठे का हुआ आप आए पाए घर से पिढ़ई लई के आए, हमारे माथे न रहे, बाकी व्यवस्था में कोनो कमी नहीं ना। आप चलते हैं, चलो तारीख 3 दिन बुधवार का भूले ना ये है? यार एक बात याद आ, चला चला बात का ध्यान, बात का छुआड़ो। हाँ। यार ये कहिस महाराज के लड़का का मार दे भाई, रास्ते में खून तमाम कर दिया, आओ चलो चला जाए और चल के देखा जाए छुपकी से महाराज जी के बेटे को मारता है या नहीं मारता।
मेरे साथ, आज तुझे हम बियाबान जंगल वाले रास्ते से ले चलेंगे, क्योंकि जल्दी स्कूल पहुंच जाए। आ मेरे साथ। ये देख बियाबान जंगल है, मर गया साला गूंगा। महाराज तेरे बच्चे का काम तमाम कर दिया हमने, अब तेरा भी काम तमाम होगा। सबसे पहले इसे चादर से ढक देते हैं, और जो इंसान सबसे पहले इसकी लाश के पास आएगा उसी के ऊपर इसके खून का इल्जाम लगाऊंगा। हमारी पहली शतरंज की चाल, ये रही हमारी पहली शतरंज की चाल, दूसरे में फिर देखना हमारी कंप्यूटर जैसी खोपड़ी का कमाल। रास्ता घना है, क्यों नहीं चलो चल कर चलते हैं, इस कहने वाले रास्ते चला जाए ताकि हम लोग कालू नगर पहुंच सके। ये कौन पड़ा है इस रास्ते में? अरे यार बीचों बीच रास्ता में किस सो रहा है, कोई ना सेड़ी है क्या? ये तो माली बड़ी गजब बात हो गई। क्या ये महाराज के बेटे छोटे प्रमोद ही है? प्रमोद? अरे हटाओ मालिक।